सोनीपत के गांव जठेड़ी के रहने वाले संदीप उर्फ काला जठेड़ी की मां ने धोखे से कीटनाशक पदार्थ दवाई समझकर खा ली, जिसके चलते कमला देवी का देहांत हो गया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी और जिसके बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कड़ी सुरक्षा में गाँव लाया गया, जहाँ काला जठेड़ी अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और अपनी मां को मुखाग्नि दी। दाह संस्कार के बाद काला जठेड़ी को वापस तिहाड़ जेल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव जठेड़ी के रहने वाले गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की मां कमला देवी काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और कमला देवी ने घर में रखे कीटनाशक पदार्थ को दवाई समझ कर खा लिया। उसके बाद उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और काला जठेड़ी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 घंटे की पैरोल दी ताकि वो अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। सोनीपत राय थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद काला जठेड़ी को कड़ी सुरक्षा में गांव जठेड़ी लाया गया। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के सैकड़ों जवान इस दौरान गाँव में मौजूद रहे ताकि विरोधी गैंग किसी भी वारदात को अंजाम न दे सके और संदीप और काला जठेड़ी ने अपनी माँ की अर्थी को कंधा दिया और बाद में गांव के शमशान घाट में अपनी मां को मुखाग्नि दी। उसके बाद काला जठेड़ी को फिर से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तिहाड़ जेल के लिए रवाना कर दिया गया। सर, काला जठेड़ी की मां का देहांत हो गया, कितने घंटे के पहले इस तरह का सर अभियान से काला जठेड़ी को वापस भेज दिया गया सर? जी सर, कल उनकी माता जी का सुबह 11 बजे करीब देहांत हुआ था। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया था, देन उसको उनको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी फॉर द लास्ट रिचुअल्स। घर से हमारे को कॉल आई थी कि 4th of July जो कि आज है उनके अंतिम संस्कार होना है, उसके लिए हमने ऑनरेबल मकोका कोर्ट जो द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट में है ऑनरेबल चरणजीत सिंह जज साहब के सामने एप्लीकेशन मूव की थी। उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए ताकि बिकॉज ही इज़ द एल्डर सन इन द फैमिली और सारी जो क्रिया हैं जो रस्में हैं वो सारी एल्डर सन ही करता है घर में, तो उन्होंने 6 घंटे की कस्टडी पैरोल ग्रांट करी थी आज के लिए जो कि सुबह 11 बजे से अभी इवनिंग 5 बजे तक है। देन उसके बाद यहाँ पे उसको सुबह 11 बजे लाया गया, घर पे ले जाया गया, जो सारे रिचुअल्स ही वो घर पे हुई हैं, जो लास्ट रिचुअल्स होती हैं, लास्ट राइट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, क्रिमिनेशन ग्राउंड में मुख्य अग्नि दी गई उनकी माता जी को और उनको वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। सर, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, सारा प्रशासन मौजूद था यहाँ पे और सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ है यहाँ पे। सुरक्षा को देखते हुए भी और वापस घर पे ताकि सारी सुरक्षा और सारी चीज़ें हैं, तो एजेंसीज की भी ये थी कि ताकि सारी जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके बाद अभी उनको वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सर, आपका परिचय? मेरा रोहित कुमार नाम है, मैं एडवोकेट हूँ संदीप।